हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉट्रॉनिक कंपनी के वो से आने वाला पॉट्रॉनिक टोडा 23 वायरलेस माउस के बारे में। तो आफ्टर 2 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी कि नहीं, क्या मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, इसके बटन में कोई इशू आ गया है, फिर स्क्रोल बार प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी कि नहीं, बैटरी लाइफ कितनी देखने को मिल जाती है, डीपीआई चेंज करने से कोई डिफरेंट देखने को मिलता है भी कि नहीं, इसके साथ में बैटरी आएगी फिर अलग से बाय करना पड़ेगा, सेंसर किस टाइप का देखने को मिलता है, कोई भी सर्फेस पे आप इसे यूज कर सकते हो भी कि नहीं, हाथ में कंफर्टेबल तरीके से बैठता है भी कि नहीं, जब फिर ज्यादा छोटा पड़ेगा या फिर बड़ा पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो आप भी सोचो कि अच्छा सा वायरलेस माउस बाय करने के लिए आपका बजट अराउंड 200 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया 196 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम है, कोई 250-300 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चलता था। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात की तो कंप्लीट आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल माउस देखने को मिलता है। इधर पॉट्रॉनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, इधर डीपीआई का बटन देखने को मिलेगा, फिर इधर आपको स्क्रोल बार देखने को मिलेगा, इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ इस टाइप का साउंड आएगा, तो क्लिकेबल देखने को मिल जाता है। काफी लोग को माउस यूज करते टाइम पे साउंड बहुत पसंद रहता है, तो वो बेस पे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा माउस देखने को मिल जाता है, और ऑलमोस्ट जितने भी माउस है उसमें भी इतना साउंड आ ही जाता है। डीपीआई की बात करें 800, 1200 और 1600, इसके अंदर 3 डीपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में तो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, और इधर आपकी बैटरी बैठेगी, बैटरी आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, डबल ए एक सिंगल बैटरी बैठेगी, और इसके साथ में नैनो रिसीवर आएगा जो कि ऑलरेडी मैंने मेरे कनेक्ट किया हुआ यूएसबी हब में, और इसे इस तरह जो कि लगा देना है। और इधर आपको पावर ऑन का बटन देखने को मिलता है, इधर आपको सेंसर देखने को मिलता है, सेंसर आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाए, कोई भी सरफेस पे आराम से आपका माउस चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको माउस पैड रखने की, पर मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप माउस पैड एक साथ में रखिए। कंफर्टेबल की बात करें तो हाथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट बैठ जाता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, स्मॉल साइज है, और जब भी आप इसे यूज करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का, और डीपीआई का कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया गया, जब भी आप यूज करोगे इस पर प्रेस करोगे डीपीआई के बटन पर, तो आपको माउस के मूवमेंट में स्लो फास्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको अंदाजा हो जाएगा ये फर्स्ट डीपीआई है, ये वाली सेकंड डीपीआई, ये वाली थर्ड डीपीआई है, तो कुछ इस तरह से आपको डीपीआई का चेंजेस का पता चल जाएगा, और क्लिक करने पे इस टाइप का साउंड आएगा। पर अभी जैसे कि इसके यूज़ करते हो 2 मंथ हो चुका है, तो बैटरी इसका डाउन वगैरह नहीं, उन्होंने बताया हुआ 12 मंथ तक की आपकी बैटरी चलेगी, पर आराम से 6 मंथ 7 मंथ बैटरी आपकी चल जाएगी। कंटिन्यूसली मैं यूज़ करता हूँ 7-8 आवर, आप कम यूज़ करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ भी हो जाता है, वो केस पे आपको 9 मंथ से 12 मंथ भी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी कंफर्टेबल स्मॉल साइज है, कैरी करना भी बहुत ही सिंपल और ईजी, और जो प्राइस रेंज में मिल रहा है ये डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है, और आराम से किसी के भी हाथ में बैठ जाएगा और कोई भी कंफर्टेबल तरीके से इसे यूज़ कर लेगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ के बारे में डिटेल में बता दिया, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आफ्टर 2 मंथ बाद कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, बटन में स्क्रॉल बार में नहीं देखने को मिला, सारी चीज परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है, तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया 196 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है, कोई 250-300 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चलता हूँ। और ये वीडियो 2022 फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में इस टाइप के माउस अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाले रहेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।